ठंडी के मौसम में मीठे में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली चीज़ का नाम है गाजर का हलवा। गाजर का हलवा एक ऐसी रेसिपी है जो बच्चों से लेकर बड़ों सभी को पसंद आती है। तो आज मैं बताऊंगी इजी और इंस्टेंट बनने वाली गाजर का हलवा। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो गाजर। इसके छिलके को हटाकर इसे अच्छे से वॉश कर लें और कद्दूकस कर लें। अब एक कढ़ाई को गर्म करेंगे और इसमें डालना है 2 टेबलस्पून घी। यहाँ पे मैंने कटे हुए 15 से 20 काजू लिए हैं, 15 से 20 बादाम और 5 से 6 टेबलस्पून किशमिश लिए हैं। सभी को घी में डालकर इसे करीब करीब 1 मिनट तक भून लें। अब इसका कलर भी चेंज होने लगा है, हल्का क्रिस्पी हो गया है, तो फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी घी में डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर, 1 कप दूध और 1 टीस्पून इलायची पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स कर लें जिससे एक भी इसमें लम्स ना रहे। और इसे तब तक कुक करना है जब तक कि ये सॉलिड फॉर्म में ना आ जाए, और इसे स्पेटुला से बराबर चलाते रहेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की आ गई है, तो इसे किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमारा खोया तैयार है। अब इसी कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून घी और डालेंगे और इसमें ग्रेट किए हुए गाजर डालेंगे। इसे 2 से 3 मिनट कवर करके कुक करेंगे। अगर कद्दूकस किए हुए गाजर को कप से नापे तो ये 5 कप था, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी लिया है और 2 कप मिल्क लिया है। आप जैसे बनाए उसको नाप करके इसी प्रोपोर्शन में हलवा बनाए तो आपकी भी हलवा बहुत ही अच्छी बनेगी। और जब ये सॉटे हो जाए इसमें हमें डालना है 1 कप चीनी और 2 कप मिल्क। सभी को मिक्स करके कवर करके कुक करेंगे और फ्लेम को मीडियम ही रखना है जिससे गाजर भी हमारा अच्छे से कुक हो जाए। पंद्रह से 20 मिनट के बाद गाजर का मिल्क भी पूरी तरह से सूख गया है, तो इसी टाइम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर और मिक्स करके इसमें डालेंगे 1/2 ड्राई फ्रूट भुने हुए और 1/2 खोया। और 1/2 जब सर्व करेंगे उस टाइम इसे गार्निश करेंगे। तो अभी 1/2 मैंने इसमें डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। देखकर मुंह में ज़रूर पानी आ रहा होगा, तो देर किस बात की, अभी किचन जाइए और आप भी बनाइए गाजर का हलवा। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। फिर मिलती हूँ कुछ नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।